हादसा होते होते टला। यहां पर टिकटॉक वीडियो बनाते समय एक युवक झरने में बह गया था। इसके बाद युवक झरने में तेज बहाव में बहकर कुछ दूर जाकर चट्टानों के बीच फंस गया। गनीमत यह रही कि वहां पर लोग मौजूद थे और उन्होंने उसे बाहर खींच लिया, बचा लिया। इसके बाद युवक को CPR दिया गया जिससे युवक की जान बच गई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से टिकटॉक वीडियो बनाना एक युवक को महंगा पड़ गया। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी थी कि इस बहाव में चट्टानों के बीच वो फंस गया और स्थानीय लोगों ने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया, अन्यथा एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। जी मीडिया संवाददाता राम मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अधिक जानकारी के लिए उनका रुख कर लेते हैं। राम, टिकटॉक वीडियो बनाते समय हादसे की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इस तरह की लापरवाही से लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि खुद ही की जान के साथ इतनी बड़ी लापरवाही। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई जिस तरह आजकल के माहौल में, जिस तरह नाबालिग बच्चे और टिकटॉक वीडियो को लेकर वीडियो बनाते हैं, अपने जान को जोखिम में डाल के हादसा हो जाता है। और ऐसा ही हादसा यहाँ पर पेश है, जहाँ पर जो 16 वर्षीय छात्र था उसके साथ कई और भी लड़के थे, वो टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं और इसी दौरान वो बैलेंस करके नदी में गिर गया और पूरी तरह पत्थरों के बीच फंस गया और उसकी जान आफत में आ गई थी और बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसके बच्चे से बाहर निकाला। जी, वहीं पर तस्वीरों में दिख रहा है कि युवक को CPR यहाँ पर देखकर ठीक करने की कोशिश स्थानीय लोग कर रहे हैं। अब उसकी सेहत के बारे में क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, ये जिला चिकित्सालय में भर्ती कराई, वहाँ पर इसकी स्वास्थ्य बताई गई। वहाँ जो मौके पर तो समझदार लोग थे, उन्होंने PCR देके उसकी सांसों की दोबारा चालू किया और उसको उसकी जान की बचाई। इसके बाद जिला चिकित्सालय भर्ती गए, वहाँ स्थिति सामान्य। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राम आपका।